आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुख करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। मैनपुरी पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा ने जन अधिकारी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले मोदी और योगी की सरकारों ने जनता को तकलीफ दी है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता योगी की सरकार को हटाकर इस तकलीफ का बदला चुकाएगी। सपा पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि अखिलेश उनकी और बाबू सिंह की जोड़ी से घबरा गए हैं। और बुजुर्गों, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस बार गलती मत करिए। 2014 में आपने अखिलेश को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। 2017 में अखिलेश और राहुल गांधी मिल लिए तो गाना बना दिया, यूपी को इन बच्चों का साथ पसंद है, ये बीजेपी को रोक नहीं पाए। 2019 में बसपा और सपा मिलकर लड़े, आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट दिया, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। अगर कोई उत्तर प्रदेश में योगी को मुख्यमंत्री बनाने से रोक सकता है तो बाबू सिंह कुशवाहा और भाग्यवादी परिवर्तन मोर्चा अपनी ताकत रखता है। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप तमाम कमजोरों से, मजलूमों से, अति पिछड़ा समाज से, अल्पसंख्यक समाज से, कि एक होकर आप ये जो बीजेपी की सरकार है जो हर महास पर उत्तर प्रदेश के लोगों को उनको तकलीफ पहुंचाई है, आज आपके पास वोट का हथियार है, उस वोट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमारे भाई भूपेंद्र सिंह साहब को यहां पर कन्नी के निशान पर बटन दबाकर उनको कामयाब और कामरान करिए। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां पर पीस पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अमित मिश्रा का कंपनी है। इटवा क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखने के बाद उन्होंने राजनीति में आने के लिए सोचा। इटवा क्षेत्र अमित मिश्रा एक आइकॉन बनते जा रहे हैं, व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़े और दिल्ली मुंबई ना जाकर अपना खुद का विकास अपने ही क्षेत्र में रहकर करें। 2022 विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के प्रत्याशी और प्रभारी इटवा विधानसभा क्षेत्र से बनाए गए हैं। लगातार इनके तर्पण से जनसंपर्क किया जा रहा है। चुनावों में नई सोच नई उम्मीद भरने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। देखिए सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। टीवी के खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर के 305 इटवा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर पीस पार्टी से प्रत्याशी अमित मिश्रा जी को बनाया गया है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ दावे लेकर के ये जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का इन्हें किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी। जैसे कि आप इंजीनियर हैं और ऐसे में राजनीति में आने का आपके मन में ये बात कैसे आई कि हमें राजनीति में चलना है, क्षेत्र में कुछ काम करना है, इस चीज़ को आप हमें विस्तार से बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैं इस क्षेत्र से हूँ जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जब मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ कि इंजीनियर देखता हूँ, बट मेरे जैसे यहाँ 0.1% भी लड़के नहीं जो इंजीनियरिंग या MBBS की डिग्री लिए हुए हैं, तो जब मैं इस क्षेत्र को देखता हूँ तो बहुत शर्म महसूस होती है। इस विषय में देखते हुए कि मैं जब यहाँ जाऊँगा, युवाओं को बताऊँगा कि मैं क्या हूँ और तरक्की के रास्ते क्या हैं, अगर आज प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करते हैं तो आज हम तरक्की नहीं पा सकते हैं। इसी कारण से फिर मैं यहाँ बीच में आया कि युवाएं मुझे देखें और वो फिर मेरे जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बन के इस क्षेत्र का नाम रोशन करें, जो पिछड़ापन का दाग है हमारे ऊपर उसको हम धुल सकें। जी, जैसे इटवा विधानसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो पूरे जिले में नहीं प्रदेश में सबसे बड़ा सीट माना जाता है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से जो भी जीतता है या तो मंत्री पद को पाता है या फिर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सपा के प्रत्याशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं, भाजपा के विधायक व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी हैं। ऐसे में आपको क्या तैयारी करके बीच में जनता के जा रहे हैं जिससे जनता आपको चॉइस करे, आपको पसंद करे? जी, मैं यहाँ किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूँ। मेरी जो सिर्फ एक सोच है कि जो मेरी सोच है कि यहाँ शिक्षा में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार सृजन होना चाहिए।
ये हमारे जो भूतपूर्व जो वर्तमान में अभी भी मंत्री हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने क्षेत्र के रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया, ना शिक्षा व्यवस्था में बहुत अच्छी कुछ व्यवस्था देखी है, कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं किया जिससे युवाओं को कोई रोजगार मिल सके। रोजगार के नाम पर हमारे यहाँ अनपढ़ लड़के पैदा हो रहे हैं जो बेचारे बॉम्बे पुणे दिल्ली जाके किसी तरीके से अपने परिवार का पेट पालन कर रहे हैं। तो जो भी इनके एजेंडे थे, इन्हें तो सब पद चाहिए था, पद की गरिमा भी नहीं बना पाए हैं। यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा कराया जाता है और उसी के नाम पर इलेक्शन में ध्रुवीकरण करके जीत और हार का मानक तय होता है। जी, आप क्षेत्र में जाते हैं तो आपका एक लोगों के बीच में एक खासा बात प्रचलित है कि सपा, भाजपा, बीजेपी, कांग्रेस, ये सभी एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक सिक्के के दो पहलू कहने का क्या औचित्य है, क्या मतलब है? देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि सपा, बसपा, भाजपा सब एक ही पार्टी के एक सिक्के के दो पहलू, तो इसका बड़ा सिंपल सा अंतर है। आप पद के लिए जीते हैं कि जनसेवा के लिए जीते हैं? अगर जनसेवा के लिए जीते तो आप किसी भी एक पार्टी का हाथ पकड़ लीजिए, आप जनसेवा करते रहिए, आपका नाम वैसी तरक्की ऊपर चलता रहेगा और जनता का भी विकास होता रहेगा। पर जब पद के लिए सिर्फ ही अपना विधायक बनने के सपने पूरे करने के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इनको तो सिर्फ राजा बनना है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। इसलिए दल बदलू सब पार्टियां हैं, एक दूसरे में जाते हैं, लांछन लगाते हैं, फिर एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ सब एक दूसरे सिक्के के पहलू हैं और जनता को लड़ाना इनका काम है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम टीवी की खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। चुनाव के दूसरे चरण के लिए सहारनपुर में कल 14 फरवरी को मतदान होगा। जनपद की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान है। बेहट, नकुड़, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, देवबंद, रामपुर, मनिहारन, गंगोक पर मतदान होना है। इसी के मद्देनजर पोलिंग पार्टियां अपनी पूरी तैयारी के साथ रवाना हो गई हैं। बता दें कि सभी 7 विधानसभा के कंट्रोल रूम का कंट्रोल सीओ कार्यालय लखनऊ में भी रहेगा। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद सहारनपुर में होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जनपद में सभी पोलिंग बूथ पर पुलिस फोर्स समेत पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। सहारनपुर में हम लोग एक शांत, निष्पक्ष और विवाद रहित हम लोग मतदान कराने में जो है सफल रहेंगे। इसके सिवाय जो वोटर्स हैं उनसे मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र का ये महान पर्व है, हम लोग तमाम समस्याओं के बारे में 5 साल तक शिकायत करते रहते हैं, पर जब ये असली मौका रहता है, जब हमको एक सक्षम अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका रहता है, तो हम कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं। पिछली बार जनपद सहारनपुर में विधानसभा चुनाव में करीब 73% जो है वोटिंग परसेंटेज रहा था। विधानसभा नकुल का वोटिंग परसेंटेज प्रदेश में सबसे ज़्यादा परसेंटेज था। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि ये मौका है, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, सक्षम, योग्य और अपने मनपसंद जिसको भी वो इच्छा करते हैं वो अपना प्रतिनिधि के रूप में चुने। खबर बदायूं से है, जहां विधानसभा चुनाव 2022 के लिए दूसरे चरण में होने वाले मतदान के चलते बैठक की गई। दृष्टिगत मंदी समिति के मतदान हेतु पोलिंग पार्टियों को रवाना करने और मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के चलते लगे पुलिस, पीसीएस, अर्धसैनिक बलों के व्यवस्था के मद्देनजर चर्चा की गई। देखिए, सभी पोलिंग सेंटर्स के लिए प्रत्येक पोलिंग सेंटर CPMF से आच्छादित है, तो हमारी 102 कंपनी CPMF समस्त पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रही हैं। और इसके अलावा जो सिविल पुलिस है, होमगार्ड है, सब इंस्पेक्टर्स हैं, 500 लगभग सब इंस्पेक्टर्स हैं, लगभग 6000 सिविल पुलिस के कॉन्स्टेबलरी हैं, 6000 के आसपास होमगार्ड्स हैं। ये सारे लोग आज अपनी विभिन्न जो पोलिंग की पार्टियाँ हैं उनके पास यहाँ पर उनके साथ जो उनको निर्दिष्ट बसें हैं सबको डिप्लॉयमेंट प्लान दे दिया गया है, उन बसों में रवाना हो करके शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे। और सिद्धार्थनगर में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ लोग हंगामा कर रहे हैं। दरअसल अवैध अल्ट्रासाउंड की पोल खोलने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये अल्ट्रासाउंड सेंटर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाके में लोगों का कहना है कि जिले में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे व पैथोलॉजी के कई केंद्र संचालित
किए जा रहे हैं। इन केंद्रों के 5 रिपोर्ट CHC व महिला चिकित्सालय के चिकित्सक रोगियों का इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, इन केंद्रों पर बिना किसी सलाह के ग्रामीण इलाकों की आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को लेकर बेवजह अल्ट्रासाउंड कराकर अपना आर्थिक फायदा कर रही हैं। और इसी तरीके से करीब 15 दिन पहले अल्ट्रासाउंड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने संज्ञान में लिया है। लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर ना जी, पैथोलॉजी। हाँ, ये मैटर मेरे संज्ञान में है और पैथोलॉजी की आड़ में अल्ट्रासाउंड चल रहा है। ये मेरे संज्ञान में आया था मेरे अंदाज से 1 या 2 फरवरी को, ठीक है। इस पर मैंने एक कमेटी बना दी है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अगर कोई इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो उस पर जरूर की जाएगी। कल यूपी में दूसरे चरण का चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए संभल में SP ने लोगों से खास अपील की है। SP चक्रेश मिश्रा ने बताया कि अगर कोई आपसे डरा धमका कर वोट डलवाता है तो फौरन पुलिस को सूचना दे। अगर EVM में कोई भी खराबी आए तब भी पुलिस को सूचना दे। इसी के साथ SP ने मतदाताओं से वोट डालने की खास अपील की है। देवरिया के रामपुर कारखाना में सपा पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सपा प्रत्याशी गजाला लारी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर फीता काट कर केंद्रीय पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान सपा MLC रामसुंदर दास भी मौजूद रहे। सपा प्रत्याशी गजाला लारी ने बताया कि रामपुर कारखाना में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, लोगों का मुझ पर भरपूर प्यार मिल रहा है। इसी के साथ उन्होंने बिजली पानी के मुद्दे को लेकर भी कई बातें कही हैं। साहब गणेश श्री गणेश यादव जी हैं और तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों ने मिलकर के सबने हमारा बर्थडे भी मनाया, सबने बहुत दुआएं दी हैं और ये इसी के साथ आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन तो पहले से था, बर्थडे लोगों को बाद में पता लगाया तो उसी में वो भी शामिल हो गया। और मेन तो हम लोग का था कि यहाँ का कार्यालय का उद्घाटन करना था। वो 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और 50 लाख जो गरीब महिलाएं थे जिनको हम पिछले सरकार में 500 रुपया पेंशन समाजवादी पेंशन देते थे उनको हम 1500 रुपया पर मंथ देंगे और 15 लाख नौजवानों को पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में हम नौकरी देंगे गरीब बेकारों को। फतेहपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिंद की पुलिस व आबकारी टीम को सफलता मिली है। मुखबिर की सटीक सूचना पर संयुक्त रूप से की गई छापेमारी कार्रवाई की गई है जिसमें पुलिस के हाथ सफलता लगी है। संयुक्त दोनों टीमों ने छापेमारी के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 20 से 30 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद हुई है। इसी के साथ 2 बाइक भी बरामद की गई है। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। जो महोदय के निर्देश पर शराब अवैध शराब की बरामदगी के संबंध में और उस निर्देश के तहत पूरे जनपद में चेकिंग कराई जा रही थी तो बिंदकी पुलिस के द्वारा थाना बिंदकी थाना क्षेत्र में ही फरीदपुर मोड़ के पास में 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए रुके गए और उनके पास में जर्किन में करीब 50-50 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब बरामद हुई। उनसे पूछताछ की गई कि ये शराब कहाँ से ले जा रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये सरकंडी चौकी है उसी के पास खंडहर में ये बनाई जा रही है। तो तत्काल ये लोग इनको लेकर के वहाँ पर पहुँचे तो 2 व्यक्ति और मिले जो खंडहर में अवैध शराब बनाते हुए पकड़े गए और ये करीब 12,000 ढक्कन और करीब 4700 बारकोड भी बरामद हुआ है और 2030 लीटर की शराब की बरामद की। खबर बांदा से है जहां टायर फटने से अनियंत्रित होकर बस पलट गई। इस हादसे में 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया। आपको बता दें यह पूरा मामला मतौड़ थाना अंतर्गत मोहनपुरवा रोड का है।
अभी आप एक्सीडेंटल के मामले आए जिसमें से करीब 20 से 22 लोग घायल हुए हैं। ये बताया गया है कि मटौन के पास ये एक्सीडेंट हुआ है, इसमें से करीब 8 लोगों का यहाँ पे इलाज चल रहा है और बाकी का 6 लोगों को उपचार देके यहाँ से छुट्टी दे दी गई है। उनकी हालत नाजुक या गंभीर? नहीं, किसी की हालत नाजुक गंभीर नहीं, सबका इलाज सही है और सबको आराम भी है। कितनी सवारी बैठाए थे? 25 सवारी। तो बस पलट गई तुम्हारी? एक मतलब लोग खा गए। कितने लोग घायल हो गए बस में? बस 5 लोग जो है, किसी को कम हो गए, किसी को ज्यादा है, थोड़ा सा। आज थाना मटौन क्षेत्र के ग्राम मोहनपुरवा में बस नंबर UP90B9641 जो जिगनौरा थाना मौदहा फैक्ट्री के कर्मचारियों को प्राइवेट बस लेकर आ रही थी, जिसका अगला टायर फटने के कारण बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई, जिसमें 14 लोग मामूली रूप से घायल हो गए हैं, जिनको चिकित्सार्थ एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बांदा में लाया गया है। कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। वहीं मालगोदाम श्रमिक संघ का पंजीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ रविवार को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने मनोरंजन स्थल पर हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मनोरंजन पासवान ने दीप प्रज्वलित कर की और फीता काट कर किया। कार्यक्रम में बातचीत के दौरान मुख्य अतिथि मनोरंजन पासवान ने कहा कि देश भर में मालगोदाम पर कार्य कर रहे श्रमिक मजदूरों का डाटा इकट्ठा कर मजदूरों को सरकारी लाभ दिया जा सके, इसके लिए अलीगढ़ से पंजीकरण उद्घाटन की शुरुआत की गई। हमारा जो उस बैठक में हुआ कि सभी माल गोदाम के मजदूरों का पंजीकरण करा करके इनका डाटाबेस अवेलेबल कराया जाए कि पूरे देश में कितने मजदूर हैं और उसके अनुसार उनकी जो स्वीकृत मांग है उन तक उनको लाभान्वित कराया जाए। तो आज अलीगढ़ माल गोदाम से हमारा पंजीकरण उद्घाटन समारोह है। कल से यहाँ पंजीकरण सभी मजदूरों का श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से शुरुआत होगा, उसका उद्घाटन करने के लिए हम आए हैं। हरदोई में कोथावा ब्लॉक के नेवादा लोचन गांव में बने सामुदायिक शौचालय में गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है और जिम्मेदार विभाग के अधिकारी सरकार की योजनाओं में पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि सामुदायिक शौचालय की देखभाल राजकुमारी मौर्य करती है, लेकिन ना तो वो कभी मौके पर मौजूद होती है ना हो कि किसी भी तरह की शिकायतों का निवारण होता है। वहीं इस संबंध में जब संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी अमर सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने टालम टोल करते हुए मामले की से पल्ला झाड़ लिया। बहरहाल इस तरह की लापरवाही से भी यह जाहिर है कि गंदगी के अंबार से ग्रामीणों के जीवन से भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।